वो जहां उपचुनाव के रिजल्ट से भले ही बिहार में एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा हो, डबल इंजन की सरकार धकाधक चल रही हो, लेकिन बीजेपी की जिस तरह से वोचहां में हार हुई है उसे लेकर काफी टेंशन है। वो अंदर ही अंदर जीत हार पर मनन कर रही है। जातियों के वोट बैंक पर मंथन हो रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इस रिजल्ट को अपने स्तर से खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं कि किस पार्टी ने किसे कितना साथ दिया, कौन कहां पर गच्चा खा गया। लेकिन एक बात तो सब मान रहे हैं कि जिस तरह बीजेपी की वोचहां में फजीहत हुई है, यदि नीतीश कुमार के वोटर साथ नहीं देते तब बीजेपी की और कितनी फजीहत होती। हालांकि इस पर बीजेपी की ओर से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इस पर मंथन सब दल कर रहे हैं। दरअसल बिहार में लगभग 2005 से मैक्सिमम सवर्ण वोट बीजेपी में शिफ्ट कर गया है। खासकर भूमिहार और ब्राह्मण वोट बीजेपी का आधार वोट बन गया है, जबकि वैश्य वोट उसके साथ पहले से ही है। इसलिए शहरी क्षेत्र में बीजेपी हमेशा से आगे रही है, लेकिन भूमिहार और ब्राह्मण वोट उसमें शिफ्ट होने से गांवों में भी कमल खिलने लगे थे। इसमें नीतीश कुमार के वोट भी उन्हें काफी मिलते रहे। नीतीश कुमार के खेमे में कई तरह के वोट हैं जो उनके चेहरे और काम पर उनके साथ रहते हैं। दरअसल वोचहां उपचुनाव में क्या कुछ हुआ, इसे पूरे बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के आला कमान ने भी देखा। उन्होंने देखा कि देश में बीजेपी की लहर के बीच किस तरह बिहार के वोचहां में रिकॉर्ड वोट से पार्टी पटखनी खा गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा कि वोचहां के इतिहास में इस तरह की प्रचंड जीत किसी को नहीं मिली थी। यानी आरजेडी को जितनी बड़ी जीत मिली उतनी ही बड़ी हार बीजेपी की झोली में गई। बता दें कि वोचहां में आरजेडी के अमर पासवान ने बीजेपी की बेबी कुमारी को 36,653 वोटों से पराजित किया है। यानी कि आरजेडी को मिले 82,547 वोट की तुलना में बीजेपी को 45,889 वोट ही आए। पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि बीजेपी के हाथ से भूमिहार वोट बैंक पूरी तरह खिसक गया। वोचहां में ब्राह्मण आबादी बहुत अधिक नहीं है। मल्लाह वोटरों को लेकर मुकेश सहनी उड़ गए, तो सीधा और अहम सवाल है कि क्या केवल वैश्य वोट से उतना वोट बीजेपी को मिला है। इसका जवाब भी सीधा है कि नहीं, मतलब साफ है कि बीजेपी के पक्ष में नीतीश कुमार के वोटरों ने जमकर वोटिंग की थी। पूरा सियासी गलियारा जानता है कि नीतीश कुमार के साथ कई कैटेगरी के वोटर हैं। इनमें चुप्पा वोटर, पंच फोड़ना वोटर, पंच पनिया वोटर आदि शामिल है। सुशासन के नाम पर एक बड़ा वर्ग उनके साथ है जिसमें हर तबके के लोग शामिल हैं। यह भी जग जाहिर है कि भले ही लोकसभा चुनाव में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में वे नीतीश कुमार का ही चेहरा देखते हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन चुप्पा वोटर, पंच फोरना वोटर, पंच पनिया वोटर या फिर सुशासन के नाम पर वोट करने वाले लोग हों, ये सब नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। ये लोग किसी भी बहकावे या झांसे में कहीं नहीं जाने वाले। चुप्पा वोटर में शामिल महिलाएं या कॉलेज जाने वाली लड़कियां तब तक नीतीश कुमार को वोट करती रहेंगी जब तक वे बिहार में हैं। महिलाओं को लगता है कि नीतीश कुमार की वजह से उन्हें सुरक्षा मिली है। पहले शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाया करते थे, लेकिन जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं तब से महिलाएं शाम में ही नहीं बल्कि रात में भी बेखौफ होकर घूम लेती हैं। अब उनका कोई बटुआ नहीं छीनता है। शराबबंदी कानून भी महिलाओं को काफी सुकून दे रहा है। भले ही चोरी छिपे शराब लोग पी लेते हैं, घर के पुरुष भी कभी कभार पीते हैं, लेकिन कानून के डर से वो लोग शराब पीकर गुंडई कत्तई नहीं करते। इसमें उनका घर परिवार शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। स्कूलों में सरकार की ओर से साइकिल पाने वाली लड़कियां अब 18 प्लस की हो गई हैं, वे भी अब वोटर बन गई हैं। फिर वो अब कहां जाएंगी? बेशक वे नीतीश कुमार की ही वोटर हैं। पंच फोड़ना वोटर की बात हो या फिर पंच पनिया वोटर का मामला हो, इसमें शामिल ओबीसी, दलित, महादलित सब नीतीश कुमार के साथ बहुत दिनों से हैं। यही वजह है कि वोचहां में हारने के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हों या फिर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, सभी मंथन करने की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के बड़बोले नेता तो बिल्कुल ही शांत हो गए हैं। फिलहाल वो अपने बयानों से जेडीयू के नेताओं को परेशान नहीं कर रहे हैं, इससे जेडीयू को भी थोड़ी राहत मिली है। फिर नीतीश कुमार की ताकत को दिल्ली में बैठे बीजेपी के आला कमान भी जानते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेशनल फेम नेता वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पटना आए हुए थे। चुनाव प्रचार के दौरान तब उन्होंने कहा था, बिहार में राजनीति के तीन धुरी हैं, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। नीतीश कुमार जिधर जाएंगे सरकार उसकी बनेगी।
और इसे बिहार की जनता ने देखा भी है। 2005 से 2013 तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे तो एनडीए की सरकार बनी। बाद में वे 2015 में आरजेडी के साथ आ गए तो सरकार महागठबंधन की बन गई। इसके बाद वे फिर से बीजेपी के साथ आ गए हैं तो बिहार में एक बार फिर से सरकार एनडीए की है। वही 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ा तो बीजेपी को फायदा हुआ था। इसलिए सियासी गलियारे की सारी शक्तियां नीतीश कुमार की ताकत को पहचानती हैं। ये भी सच है कि नीतीश कुमार के पास अपनी राजनीतिक शक्ति है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। चाहे वो एनडीए में शामिल पार्टियां हों अथवा विरोधी दल हों, हर कोई नीतीश कुमार की शक्ति को मानता है। तभी तो ये पटना से लेकर दिल्ली तक सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नीतीश कुमार के गुणगान करने से नहीं कतराते हैं। यूपी चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीतीश बाबू का परिवार राजनीति में नहीं है, नीतीश बाबू ही असली समाजवादी नेता है। उन्होंने सवालिया लहजे में ये भी कहा कि लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार राजनीति में कहीं भी नजर आता है क्या? नीतीश बाबू का परिवार कहीं नजर आता है क्या? इसके बाद नीतीश कुमार पर तंज कसने वाले बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध ली। बहरहाल बोचहा में यदि मल्लाह और भूमिहार वोटरों को बीजेपी से बाहर निकाल दिया जाए तो बीजेपी के खाते में क्या बचता है, इसका अंदाजा आप सहज तरीके से लगा सकते हैं। ऐसे में सियासी गलियारे के तमाम दल एक बार फिर से मानने लगे हैं कि यदि नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक बीजेपी का साथ नहीं देता तो फिर उसके उम्मीदवार की स्थिति और अधिक खराब हो सकती थी। यही कारण था कि बीजेपी नीतीश कुमार के बोचहा उपचुनाव में प्रचार करने पर शुरू से जोर दे रही थी और अंतिम दिन नीतीश कुमार को बीजेपी वाले प्रचार के लिए ले भी गए थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार इसका फायदा भी मिला। इस चुनाव का आरजेडी और वीआईपी को विशेष फायदा मिला। तेजस्वी यादव जहां माय को आगे बढ़ाकर भूमाय समीकरण का ठप्पा लगाने में कामयाब हुए तो वहीं मुकेश सहनी मल्लाहों के सर्वे सर्वा नेता बनने में अब 100% सफल हो गए हैं। तो बिहार में बोचहा में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी की मुश्किलें किस प्रकार बढ़ गई हैं ये आपने जान लिया। बिहार में बोचहा उपचुनाव के नतीजों के बाद अब सियासत किस तरफ करवट लेती है देखने वाली बात है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।